आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लाल टेन का 588वां एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं। 2 नवंबर 2023 को हम यहाँ खड़े हुए हैं। 17 नवंबर को मतदान है। अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। फिलहाल हम आपको आज बता रहे हैं, आज नामांकन वापसी का नाम वापसी का अंतिम दिन था और 3 बजे तक नाम वापसी हुई होगी। आज मौसम भी कुछ इस तरह का है, भगवान भास्कर भी आज बादलों की ओट में छिपे रहे। ठंड थोड़ी सी हल्की सी असर दिखाती हुई दिन में दिख रही थी। अब हम सिवनी विधानसभा के चारों विधानसभाओं में क्या मुद्दे संभावित हो सकते हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी तक चुनाव में वो गर्मी नहीं दिखाई दे रही है, जैसे जैसे तापमान नीचे आ रहा है वैसे वैसे चुनाव से सरगर्मी बढ़ना चाहिए थी, बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। सिवनी विधानसभा की अगर बात करें तो सिवनी विधानसभा, चूंकि जिला मुख्यालय सिवनी विधानसभा में आता है, इसलिए जिला मुख्यालय की समस्याएं मुद्दे चुनाव में अहम हो सकते हैं। सिवनी शहर की अगर बात की जाए तो सिवनी शहर में एक अस्पताल है, जिस अस्पताल को विमला वर्मा, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, उनके द्वारा बनवाया गया था और 1975-76 के लगभग अस्पताल वहाँ नए स्थान पर गया। पुरानी जगह पर जहाँ अस्पताल हुआ करता था वहाँ रिहायशी अस्पताल के निवासियों को, जो कर्मचारियों को, माफ कीजिएगा, अस्पताल के कर्मचारियों को, चिकित्सकों को रिहायश वहाँ दी गई और नया अस्पताल बारापत्थर में बनाया गया। अस्पताल बुरी तरह कराह रहा है। अस्पताल में एक गहन चिकित्सा इकाई ICCU है। ICCU में चिकित्सक की नियुक्ति राज्य शासन के स्तर पर नहीं है। 2000 में इस ICCU को बनाया गया था। 23 साल में भी विधायक सिवनी के जितने भी हुए हैं वे डायरेक्टर हेल्थ ऑफ DHS जो अब कमिश्नर बैठने लगे हैं वहां पर स्थापना में यहां उसे शामिल नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप जो अस्पताल का एस्टेब्लिशमेंट, अस्पताल के चिकित्सकों को वहां पर अलग से तैनात किया जाता है, जिससे अस्पताल में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो जाती है। दूसरी समस्या एजुकेशन की है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सिवनी में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज बदलना था, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनना था। मेडिकल कॉलेज 2018 से मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनना आरंभ हुआ, सिर्फ भवन बना है, 5 सालों में भवन बना है, पढ़ाई अभी तक आरंभ नहीं हुई है। NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल का अनुमोदन अभी नहीं मिला है। चुनाव का समय हो सकता है आने वाले 5 साल अब वहाँ मेडिकल कॉलेज आरंभ कराने के लिए संघर्ष लोगों को करना पड़ेगा। सिवनी में एक दलसागर है, जिस दलसागर को से आसपास का वाटर ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता था, इस बार अप्रैल माह से खाली करा दिया गया। नवंबर का महीना अभी भी वो भरा नहीं है। मैं आपको लिमटी के लालटेन में कई बार दिखाया। ऐतिहासिक मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में हम खड़े हुए हैं। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला 1900 में ये बनाई गई थी, 2023 अर्थात 123 साल पुराना भवन कैसा खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम, आप, बहुत सारे लोग इस शाला से पढ़कर निकले होंगे निश्चित तौर पर। शिक्षा के क्षेत्र में भी सिवनी में उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कृषि महाविद्यालय की मांग होती है वो भी नहीं। बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हैं शिक्षा के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार का आता है। रोजगार के लिए 1000 हेक्टेयर की जमीन वहां पर भुरकल खापा में पड़ी हुई है। सिवनी का बारापत्थर में अगर आप जाएंगे, बबरिया के पीछे, वहां पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, पर कुल 22 उद्योग सिवनी में चल रहे हैं। रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को, इन मूल आधारभूत मामलों पर सियासी दल चर्चा नहीं करते। सियासी दल चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर, प्रदेश स्तर की समस्याओं पर। सिवनी के विकास के लिए, विकास की बात करते जरूर है पर सिवनी के महत्वपूर्ण मामलों में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। सिवनी के बाद अगर हम बात करें बरघाट की, बरघाट में चावल उत्पादक क्षेत्र बरघाट को माना जाता है और बरघाट में कृषि प्रधान बरघाट विधानसभा है।
कृषि के लिए वहां पर क्या है, कृषि के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां के किसान, लगातार ही इस बात को कहते हैं। परघाट में भी इस तरीके के रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन किसानों के लिए क्या है, ये भी वहां पर मूल मुद्दे साबित हो सकते हैं। सिवनी से बरघाट के बीच में टोल लग रहा है, सिवनी से कटंगी के बीच में टोल लग रहा है। विधान बरघाट विधानसभा में कुरई और खवासा भी आता है। कुरई खवासा में जंगली जीवों का आतंक जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से जंगली जीव निकल कर आबादी की ओर आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को शायद इससे लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है, सियासी दलों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पर बरघाट विधानसभा में ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। बात की जाए केवलारी विधानसभा की, तो केवलारी विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो केवलारी विधानसभा में एक पुल, नया बना पुल बह गया, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके अलावा 11.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था बरघाट, माफ कीजिएगा, केवलारी विधानसभा में कोविड काल में आकस्मिक निधन जिनका होता है, उन आकस्मिक निधन जिन लोगों का होता है उनको सरकार की ओर से जो इमदाद दी जाती है, जो मदद दी जाती है, उस मदद के संबंध में कोविड काल में करीब 11-12 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जब ऐसी पैसा निकलता है तो बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट की जाती है, पुलिस सूचना के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का फॉर्म जमा होता है, किस चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया, ये सारी चीजें, तहसीलदार की भूमिका अहम होती है, 2-2, 3-3 तहसीलदार वहां पदस्थ रहे, किसी तहसीलदार का बाल बांका नहीं हो पाया, जो मुख्य मुद्दे। इस पर सत्ताधारी दल के विधायक जो रहे वे भी खामोश रहे, विपक्ष तो खामोश यहाँ पर सदियों से, सालों से रहा है, सदियों से तो नहीं कहा जाएगा, सालों से, दशकों से खामोश है। विमला वर्मा जब सक्रिय राजनीति में थी तब विपक्ष में हरीश क्षेत्रपाल जैसे नेता हुआ करते थे, जो चीख चीख कर उनका सिंहासन हिला दिया करते थे, वर्तमान में वो स्थितियां देखने को नहीं मिलती। बात करें लखनादौन विधानसभा की, आदिवासी बाहुल्य लखनादौन विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं मूव आए खड़ी हुई हैं। लखनादौन विधानसभा में विधानसभा मुख्यालय लखनादौन को जिला बनाने की एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, चुनाव के पहले वो मांग बहुत जबरदस्त जोर पकड़ती हुई दिखी, पर जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई लखनादौन को जिला बनाने की बात ठंडे बस्ते के हवाले कर दी गई। लखनादौन को जिला बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, पिछले एक पखवाड़े में सोशल मीडिया में ये बात भी कहीं देखने को नहीं मिल रही, कहीं सुनने को नहीं मिल रही कि लखनादौन को जिला बनाए जाने को लेकर जो लोग आंदोलनरत थे लखनादौन के, वे अभी भी आंदोलनरत हैं या वे लोगों को जगा रहे हैं या नहीं जगा रहे हैं, ये बात भी गौण हो चुकी है। ये चारों विधानसभा सीट के बारे में हमने आपको बताया कि क्या मुख्य मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मुद्दा रोजगार का है, स्वास्थ्य सुविधा का है, शिक्षा का है, चिकित्सा सुविधा का है और आवागमन के साधनों का है। केवलारी, लखनादौन, बरघाट, यहाँ पर सड़क के माध्यम से आवागमन तो है, पर रेल मार्ग होने के बाद भी रेलगाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती, ना ही रेलगाड़ियाँ यहाँ से आवागमन कर रही हैं। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते स्वयं मैदान में है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन वे अभी भी सांसद की भूमिका में है, पर दोनों ही सांसदों के द्वारा, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और ये कहा जाता था कि दो पहिए डबल इंजन सरकार, प्रदेश में भी भाजपा सरकार, केंद्र में भी भाजपा सरकार, इसके बाद भी रेल सुविधाओं के मामले में सिवनी जिले का कलश अभी भी रीता है। किसानों की अगर बात करें तो माचागोरा बांध का पानी, सालों बाद माचागोरा बांध बन पाया क्योंकि वहां बहुत सारे हर्डल, बहुत सारे अड़ंगे लगे हुए थे, उसका पानी लाल माटी क्षेत्र में, गोपालगंज के आसपास के लाल माटी क्षेत्र में पानी जाना चाहिए था, पर लाल माटी क्षेत्र में पानी वहां पर अभी भी नहीं पहुंच पाया। उसके लिए किसान आंदोलन करते हैं, पर जैसा किसानों के बीच में चर्चा है कि उस आंदोलन में कहीं ना कहीं नेताओं के अपने लोग पैठ बना लेते हैं और आंदोलन की पूरे गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं। कचहरी चौक पर एक आंदोलन हुआ, रास्ता जाम किया गया और बिना किसी निष्कर्ष के, उसमें कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के भाजपा के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, बिना किसी निष्कर्ष के मामला समाप्त हो गया। मूल मांग क्या थी किसानों की, ये बात भी सामने नहीं आ पाई।
कुल मिला के ये कहा जाए कि विमला वर्मा के यहाँ पर विधायक रहते, नेतृत्व करते हुए सिवनी को जो कुछ मिला आज, अगर विमला वर्मा की उपलब्धियां गिनाए तो सारा दिन कम पड़ जाएगा। मुख्य अभियंता का कार्यालय सिवनी में है, सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता, युवा पीढ़ी को शायद नहीं मालूम होगा, मुख्य अभियंता का बहुत बड़ा एक कार्य क्षेत्र होता है। मुख्य अभियंता का कार्यालय सिवनी में, अधीक्षण यंत्री का कार्यालय उस जमाने में 70 के दशक में, अधीक्षण यंत्री का कार्यालय लोक निर्माण विभाग का सिवनी में हुआ करता था, नेशनल हाईवे का सिवनी में एक डिवीजन हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठा करते थे, राज्य परिवहन MPSRTC का यहाँ पर संभागीय कार्यालय हुआ करता था, छिंदवाड़ा में संभागीय कार्यालय नहीं था, बालाघाट में नहीं था, मंडला में नहीं था, नरसिंहपुर में नहीं था, सिवनी में था, संभागीय कर्मशाला डिविजनल वर्कशॉप सिवनी में स्वीकृत कराई गई थी। इसके अलावा परिवहन कार्यालय उस समय में मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा के लोग सिवनी आकर परिवहन कार्यालय में अपना काम कराते थे। सिवनी में दूध डेयरी थी, सिवनी का इतना एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी में भीमगढ़ डैम जो है वो 70 के दशक में विमला वर्मा की उपलब्धि है। सिवनी में मेडिकल कॉलेज के क्षमता वाले, मेडिकल कॉलेज की, मिनी मेडिकल कॉलेज की क्षमता वाला, उस जमाने में कहा जाता था कि मिनी मेडिकल कॉलेज की क्षमता वाला इंदिरा गांधी चिकित्सालय सिवनी में। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं सिवनी में जिन्हें विमला वर्मा की देन माना जा सकता है। उसके बाद विमला वर्मा के साथ ही रहते हुए हरबंस सिंह सक्रिय राजनीति पर आए और 1983 केंद्रीय संचार मंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, तब हरबंस सिंह और अर्जुन सिंह के बहुत अच्छे संबंध थे। सिवनी में STD सुविधा अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में नहीं थी, पर सिवनी को STD सुविधा उस जमाने में मिली जो एक उपलब्धि उस समय की, उसके अलावा बड़ी उपलब्धियों में शायद ही किसी नेता की कोई उपलब्धि हो। चुनाव बहुत करीब हैं, आज 2 नवंबर हैं, 15 दिन बचे हुए जिसमें से 5 दिन निकल जाएंगे त्योहार के, और आज 2 नवंबर की शाम तक स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि नाम वापसी किसकी हुई, किसकी नहीं हुई, किसने नाम वापस लिया, किसने नहीं लिया, और उसके बाद ही सिनेरियो काफ़ी हद तक स्पष्ट होगा। रात देर रात तक संभवतः चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाए। नगर पालिका परिषद बहुत मायने रखती है सिवनी विधानसभा, देख सकते हैं 2-2 आवारा मवेशी यहाँ पर आपको विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे पीछे। नगर पालिका परिषद कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की जब नगर पालिका परिषद रही तब भ्रष्टाचार, ऐसे आरोप कांग्रेस ही लगाते थे कि जलावादन योजना, मॉडल रोड, हर मामले में भ्रष्टाचार हुआ, पर कांग्रेस 15 महीने प्रदेश में सरकार में रही, वर्तमान में कांग्रेस नगर पालिका परिषद में है, पर कांग्रेस के द्वारा जलावर्धन योजना की कोई जांच नहीं कराई गई, बजाय इसके जांच कराने के उस ठेकेदार को पैसे रिलीज कर दिया गया। आप CM हेल्पलाइन में प्रश्न लगाइए, CM हेल्पलाइन में शिकायत करिए, शिकायत आपका पक्ष सुने बिना बंद हो जाएगी। अराजकता की स्थिति निर्मित हो चुकी है, पूरे प्रदेश की तो बात हम नहीं कर सकते, पर सिवनी नगर पालिका परिषद गंदा पानी लोगों को पिला रहे, सफाई ठप पड़ी, और सफाई में इतने सफाई कर्मी होने के बाद आउटसोर्स किए गए हैं कर्मचारी। कांग्रेस की सरकार नगर पालिका में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि आपस की मिली जुली नूरा कुश्ती चल रही है, इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज लिमिटेड की लालटेन 588वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज लिमिटेड की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। सुबह रोजाना 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटेड की लालटेन का 589वां एपिसोड लेकर पहुंच जाता है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।